हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फाइलम प्लैटीहेलमिन्स के बारे में पढ़ा था, उनके जनरल कैरेक्टर्स को देखे थे। इस वीडियो में हम फाइलम प्लैटीहेलमिन्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि उनके अंडर कौन से क्लासेस आते हैं, उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है और उन क्लासेस के क्या कैरेक्टर्स हैं और उनके ऑर्डर्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्स जो है उनको बेसिकली तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्लैटीहेलमिन्स को उनके सीलिया, जो बॉडी वॉल पे जो सीलिया होता है वो, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इन चीज़ों के आधार पे प्लैटीहेलमिन्स को तीन पार्ट में, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा। तो आज हम फर्स्ट जो क्लास है टर्बिलेरिया उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो प्लैटीहेलमिन्स जो है इनको ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अब डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिस है मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा उसके आधार पे। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे, और प्रेजेंस ऑफ सीलिया ऑन बॉडी वॉल, बॉडी वॉल पे सीलिया के प्रेजेंस के आधार पे और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे हमने प्लैटीहेलमिन्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा एंड सिस्टोडा, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में टर्बिलेरिया के बारे में, इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे और इनके अंडर आने वाले जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके ऑर्डर्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टर्बिलेरिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है दे आर मोस्टली नॉन पैरासिटिक, और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर नॉन पैरासिटिक होते हैं या फिर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इज कि ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर या फिर लैंड, तीनों जगह पे पाए जा सकते हैं। सो दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, फाउंड बोथ इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर, ऑल्सो फाउंड ऑन लैंड। फ्रेश वाटर मीठे पानी में भी और समुद्री पानी, दोनों पानी में पाए जाते हैं, और जो ये है टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पे भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, कुछ जो है इसमें वो कॉमेंसल भी हो सकते हैं, कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सम आर कॉमेंसल एंड पैरासिटिक। कुछ
कमेंसल एंड नहीं आप और लिख लो, या कमेंसल या फिर पारासिटिक। कॉमेंसल मैंने बताया था कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर निर्भर करेंगे अपने भोजन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, उसको कॉमेंसल बोलते हैं। और जब एक ऑर्गेनिज्म एक होस्ट पर डिपेंड करेगा, बात यह कि जब पारासिटिक और कॉमेंसल दोनों एक डिपेंडेंट फॉर्म में है, बट कमेंसल में क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिलता है, एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते, एक दूसरे की ज़रूरत है। बट पारासिटिक में जो होस्ट है उसको ज़रूरी नहीं है कि इस पारासाइट की ज़रूरत हो, होस्ट को हो सकता है ज़रूरत ना हो, इसको पर होस्ट की ज़रूरत होती है जो पारासाइट होता है उसको। ओके, सो ये होस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं, बिना होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कमेंसल एंड पारासिटिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इनकी बॉडी है वो बॉडी इज अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी, बताया था मैंने पहले, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी बॉडी, अनसेगमेंटेड होगी, सेगमेंटेशन नहीं होगा। डॉर्सो वेंट्रली मतलब डॉर्सल और वेंट्रल दोनों पार्ट से ये फ्लैट होंगे, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, उसके बाद राउंडेड या ओवल शेप के होंगे, जो बॉडी है राउंडेड और ओवल शेप्ड। ओके, राउंडेड या ओवल शेप के होंगे। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज जो बॉडी है वो बॉडी इज कवर्ड बाय, इनकी जो बॉडी है वो सिलिएटेड सेलुलर या सिनेसिशियल एपिडर्मिस से कवर्ड होती है। बॉडी इज कवर्ड बाय सिलिएटेड सेल्यूलर और सिनेसिशियल। अब इसका मतलब है एक ऐसा सेल, सिनेसिशियल सेल्स मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो कि कई यूनि न्यूक्लिएटेड सेल से मिलके बना होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो कि कई यूनि न्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस वाले सेल से मिलकर बना हुआ वैसा सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, वैसे सेल्स को बोलते हैं। और वैसे सेल्स की जब लेयर होती है तो उस इनिशियल लेयर इनके बॉडी कवर्ड पर पाई जा सकती है, या तो सिलिएटेड कवर होगा, सिलिया पाया जाएगा, या सेलुलर होगा, कोई सेल का लेयर पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं एडहेसिव ऑर्गन्स एडहेशन के बारे में मैंने बताया था कि चिपकने वाले नेचर के होते हैं, चिपकने वाले नेचर के होते हैं एडहेशन, एडहेसिव टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं चिपक सकते हैं कहीं जाके। सो आर आइदर वन और टू, जो एडहेसिव ऑर्गन्स हैं इनके वो या एक या दो के आसपास होंगे, इतने ही होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं माउथ इज सब टर्मिनल, माउथ इज सब टर्मिनल। अब सब टर्मिनल जो माउथ है दैट मीन्स कि जो अपर पोर्शन होगा माउथ का, माउथ का अपर पोर्शन, माउथ का लोअर पोर्शन, जैसे अपर लिप्स लोअर लिप्स होता है, तो बाकियों को छोड़ो आप जो अपर पोर्शन है और लोअर पोर्शन है, तो अपर पोर्शन जब लोअर पोर्शन को कवर करेगा उसके ऊपर, मतलब अपर पोर्शन ज़्यादा बड़ा रहेगा लोअर पोर्शन छोटा रहेगा, वैसे जो माउथ है वो सब टर्मिनल माउथ्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक जो है बाइफर्केटेड होता है, मतलब कि फैला होता है, बाइफर्केटेड मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट होगा और फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो जगह डिवाइड हो जाएगा, बाइफर्केटेड। डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक इज बाइफर्केटेड, ट्रैक इज बाई
फर्केटेड। ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, बाइफर्केटेड होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है आपके जो टर्बेलेरिया है क्लास, इस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिज्म जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। अब रिप्रोडक्शन की बात करें या सेक्सुअलिटी की तो दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर यूजुअली। हर्माफ्रोडाइट दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल पे एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ओके डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब इनके अंदर है जो दे हैव रिमार्केबल, दे हैव रिमार्केबल पावर ऑफ रीजेनरेशन, दे हैव रिमार्केबल पावर ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेट अपने किसी बॉडी ऑर्गन को फिर से जेनरेट करने की इनके अंदर बहुत ताकत होती है। कोई कट कर दे बॉडी ऑर्गन को तो फिर वो वापस से उग जाएगा, वापस से प्रोड्यूस हो जाएगा वो ऑर्गन। ओके सो दीज आर सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास टर्बेलेरिया ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स। प्लैटीहेलमिंथ्स क्लास टर्बेलेरिया के ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसकी क्लासिफिकेशन को आप देखते हैं तो जो टर्बेलेरिया है इनको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। वी विल टेक ऑन द ऑर्डर्स एंड वी विल डिस्कस देयर एग्जांपल्स कि उन ऑर्डर्स में क्या एग्जांपल्स आते हैं, क्योंकि उन ऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन, उनके ऑर्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है ग्रेजुएशन के। सिर्फ ऑर्डर्स दे रखे हैं, ऑर्डर्स के नाम और उनके अंदर जो आने वाले ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ एग्जांपल्स। ओके सो टर्बेलेरिया जो है दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर में टर्बेलेरिया को डिवाइड किया गया। ऑर्डर 1 इज ए सीला, ए सीला, ए सीला फर्स्ट ऑर्डर जिसका जो एग्जांपल है वो है एम्फिस्कोलोपस, एग्जाम्पल इज एम्फिस्कोलोपस। ए सीला का एग्जाम्पल हो गया आपका एम्फिस्कोलोपस। और आप देख लो एक और एग्जाम्पल कॉन्वोल्यूटा, कॉन्वोल्यूटा। ओके तो ये दो एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट ऑर्डर ए सीला के। ऑर्डर 2 जो है दैट इज ऑर्डर नंबर 2 इज रैबडोसीला, रैबडोसीला। ओके सीला इज फ्रॉम सिलोम, COELA। ओके रैबडोसीला और इसका एग्जाम्पल आप देख लो स्टेनोस्टोमम और माइक्रोस्टोमम, एग्जाम्पल इज स्टेनो स्टोमम माइक्रो स्टोमम। ओके स्टेनोस्टोमम और माइक्रोस्टोमम ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड ऑर्डर अपन देखें तो थर्ड ऑर्डर इज एलोसीला, ऑर्डर 3 इज एलोसीला। एंड इफ वी सी द एग्जाम्पल सो द एग्जाम्पल इज प्रोरैंकस, प्रोरैंकस। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जियोसेंट्रोफोरा, प्रोरैंकस एंड जियोसेंट्रोफोरा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्डर दैट इज ऑर्डर 4th,
ऑर्डर फोर्थ है आपका ट्राइक्लाइडिडा, और ट्राइक्लाइडिडा का एग्जाम्पल आप देख लो, ट्राइक्लाइडिडा का एग्जाम्पल होगा कोंडा, उसके बाद बिप्टीलियम, इसका नाम आपने सुना भी होगा शायद, बिप्टीलियम, कोंडा एंड पिप्टीलियन, एंड आवर लास्ट ऑर्डर इज फ्रॉम टर्बिल एरिया ऑफ प्लेटीहेलमिंथ्स। तो ऑर्डर फाइव जो है वो है पॉलीक्लेडिडा। ऑर्डर फाइव इज पॉलीक्लेडिडा, और इसका जो एग्जाम्पल है एक है लेप्टोप्लामा एंड नोटोप्लामा। आपको और भी एग्जाम्पल्स इसके मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे, अगर कोई नीड होगी और भी एग्जाम्पल्स जानने की, तो आपको इसको और भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये बेसिक कैरेक्टर्स थे हेलमिंथ्स के, प्लेटीहेलमिंथ्स के, और इनके पांच ऑर्डर्स थे। इन ऑर्डर्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम उसी को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। उससे ज़्यादा डिटेल में हम आगे अगर कभी एक एक्स्ट्रा टाइम मिले तो हम ज़रूर पढ़ सकते हैं, बट सिलेबस में इतना ही है कि आपको ऑर्डर्स के नाम और उनके अंडर आने वाले एग्जाम्पल्स को जानना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा प्लेटीहेलमिंथ्स के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।